हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं हूँ स्वाति और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर पेरिफेरल्स। तो कंप्यूटर पेरिफेरल्स में भी मैं आपको पढ़ाऊँगी कीबोर्ड, और कीबोर्ड का भी सब टॉपिक जो मैं उठाऊँगी वो है आज टॉगल कीज। ऑल राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ। सबसे पहली चीज़ जब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर पेरिफेरल में, तो हम पढ़ते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। तो ये पेरिफेरल होता क्या है, राइट? तो पेरिफेरल का मतलब क्या है? कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइसेस, ये वो डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर सिस्टम में एक्सटर्नली लिंक करी जाती हैं, ताकि कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को इन्हांस किया जा सके। फॉर एग्जांपल, ये जो है ये कंप्यूटर का कोर, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं होती हैं, इनको बाहर से कनेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। अब आपने देखा होगा कीबोर्ड कोई इनबिल्ट तो होता नहीं है, कंप्यूटर के अंदर तो होता नहीं है, हमें एक्सटर्नली उसको कंप्यूटर के साथ लिंक करना पड़ता है। इसी तरीके से माउस जो है हमारा, हमें जो माउस है वो भी एक्सटर्नली हम लिंक करते हैं, और इसी तरीके से प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, अब हम उसको एक्सटर्नली लिंक करते हैं कंप्यूटर के साथ, ताकि कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को बढ़ाया जा सके, राइट? तो अब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड क्या है, और कीबोर्ड से जो है आपका कौन सी कीज़ होती हैं, और डिफरेंट कीज़ के फंक्शन हम पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में, राइट? सो कीबोर्ड एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर में। तो वो इनपुट जो दिया जाता है वो कीबोर्ड से दिया जाता है। कोई भी इनपुट होता है तो वो दिया जाता है आपका कीबोर्ड के माध्यम से। कीबोर्ड में टॉगल कीज़ के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि टॉगल कीज़ का क्या काम होता है और टॉगल कीज़ होती क्या है। देखिए, टॉगल कीज़ बेसिकली जो डिज़ाइन की गई हैं वो उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई हैं जिनको विजुअल इम्पेयरमेंट है या फिर कोई कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है, राइट? तो इसका मतलब क्या है? विजुअल इम्पेयरमेंट है और कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है, तो इससे टॉगल कीज़ का क्या मतलब है? तो टॉगल कीज का क्या काम होता है कि जब भी हम टॉगल की को टर्न ऑन करते हैं तो क्या होता है, कंप्यूटर में एक लाइट जो है वो जल जाती है राइट साइड पे, और हमें एक साउंड की आवाज़ आती है, बीप की आवाज़ आती है जैसे ही वो ऑन हुई। अब आप एक बात बताइए, जिसके भी आंखें, जिसको भी विजुअल इम्पेयरमेंट है या फिर जिसको कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, राइट, विजन इम्पेयरमेंट है जिसको, मतलब आँखों से जिसको दिखता नहीं है, तो वो जब लर्न कर रहा होता है अपना प्रोसेस को, तो उसको ये तो पता चलता है कि यहाँ पर टॉगल की है, पर उसको ये कैसे पता चलेगा कि टॉगल की अब मैंने प्रेस कर दी है और ये काम करना इसने स्टार्ट कर दिया है। तो टॉगल की इसको प्रेस करते ही जिसको विजुअल इम्पेयरमेंट होगी तो उसको क्या होगा, एक बीप की साउंड आएगी, राइट? उसको बीप की साउंड सुनाई देगी, जैसे ही हमने कैप्स लॉक, हमारी एक टॉगल की है तो उसको एक बीप की साउंड सुनाई देगी, राइट? तो अब हम करते हैं इसके बारे में कि टॉगल कीज कितने टाइप्स की हैं और कौन कौन सी हैं, और उसके बारे में हम इनको उसके बाद एनेबल करना सीखेंगे कि इन कीज को एनेबल कैसे किया जा सकता है। तो टॉगल कीज जो हैं आपकी बेसिकली दो तरीके की होती हैं। पहली टॉगल की होती है आपकी विद इंडिकेटर, और दूसरी होती है आपकी विदाउट इंडिकेटर। जो विद इंडिकेटर टॉगल कीज है वो है आपके नम लॉक, कैप्स लॉक, और तीसरी की है आपकी स्क्रॉल लॉक। विदाउट इंडिकेटर है आपकी पॉज एंड ब्रेक की। पॉज एंड ब्रेक की। अब हम देख लेते हैं कि इन कीज को एनेबल कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि इन कीज को एनेबल कैसे कर सकते हैं हम। यहाँ पर गए हम, ठीक है, विंडोज़ पे आपने क्लिक करना है, उसके बाद कंट्रोल पैनल पे जाना है। यहाँ से हम गए कंट्रोल पैनल के ऊपर,
कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद आपको ये ईज़ ऑफ एक्सेस ऑप्शन दिखेगा। ईज़ ऑफ एक्सेस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे उसके बाद आपको ईज़ ऑफ एक्सेस सेंटर की आपको दिखेगा, वहाँ से आपको चेंज करना है चेंज हाउ योर कीबोर्ड वर्क्स। ठीक है, यहाँ से क्या सिलेक्ट करोगे आप, चेंज हाउ योर कीबोर्ड वर्क्स। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखेंगे, कंट्रोल द माउस विद कीबोर्ड, मेक इट इजियर टू टाइप में, टर्न ऑन स्टिकी कीज, टर्न ऑन टॉगल कीज, टर्न ऑन फिल्टर कीज। तो हमें यहाँ पर फिलहाल मैं आपको टॉगल कीज़ के बारे में बता रही हूँ, तो सिर्फ हम अभी टर्न ऑन टॉगल कीज़ पे क्लिक करेंगे और टॉगल कीज़ के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिल्टर कीज़ और स्टिकी कीज़ के बारे में बताऊँगी कि ये दोनों कीज़ क्या होती हैं, उसके बाद तब हम ये एनेबल करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ से हमने एनेबल कर दिया, ये मतलब टिक कर दिया, टिक करने को ही कहते हैं हम एनेबल करना। तो टर्न ऑन टॉगल कीज़, अब यहाँ पर होगा क्या, जब मैंने टिक करा तो नीचे एक कंडीशन है, हियर अ टोन व्हेन यू प्रेस कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक। जैसे ही आप कैप्स लॉक को प्रेस करोगे, नंबर लॉक को प्रेस करोगे या फिर स्क्रॉल लॉक को प्रेस करोगे, तो आप एक टोन को हियर करोगे, एक टोन आपको सुनाई देगी। ठीक है, यहाँ से हमने इसको अप्लाई करा और ओके पे क्लिक करा। Always scan this section. ऑलराइट, हमने ओके पे क्लिक कर दिया, फिर हमने अपनी स्लाइड खोली। तो जैसे ही हमने अपनी स्लाइड खोली है, अब मैं चाहती हूँ कि कैप्स लॉक को मैंने प्रेस करना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, कैप्स लॉक को मैं प्रेस करने जा रही हूँ, तो क्या आपको एक बीप की साउंड सुनाई दी? तो यस, ज़रूर सुनाई दी होगी। तो मैंने कैप्स लॉक को एनेबल कर दिया है, तो मतलब एक बीप की साउंड हुई। अब मैं चाहती हूँ कि कैप्स लॉक को मैं बंद कर दूँ, तो मैं उसी कैप्स लॉक को दोबारा से प्रेस करूँगी ताकि वो बंद हो जाए, वो डिसेबल हो जाए। मैंने दोबारा से उसको क्लिक करा तो वो डिसेबल हो गई है, बंद हो गई है, और एक बीप की साउंड थोड़ी सी ज़्यादा तेज बंद होने पे आई है। ठीक है, इसी तरीके से नंबर लॉक की, नंबर लॉक की कौन सी है आपकी, ये है आपकी नंबर लॉक की, NL stands for नंबर लॉक। ऐसे ही मैं जब नंबर लॉक की को प्रेस करती हूँ तो एक मेरे को बीप की आवाज़ आएगी, और मैं नंबर लॉक की को जब डिसेबल करती हूँ तो मेरे पास एक बीप की आवाज़ आई, जो कि थोड़ी सी अलग है, मतलब कि डिसेबल हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से स्क्रॉल लॉक की है, स्क्रॉल लॉक की को आप प्रेस कर सकते हैं और उसी तरीके की ही आवाज़ आपको आएगी स्क्रॉल लॉक की को प्रेस करके। अब बात कर लेते हैं कि ये जो तीनों कीज़ हैं इनका फंक्शन क्या क्या होता है। तो आपको मैंने बता दिया टॉगल कीज़ कौन कौन सी होती है, नंबर लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक, और विदाउट इंडिकेटर नंबर कीज़ कौन सी होती है, पॉज एंड ब्रेक की। अब एक एक करके इन कीज़ का फंक्शन हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, नंबर लॉक की, तो नंबर लॉक की का क्या मतलब होता है, जब आप इन नंबर्स को यूज़ करना चाहते हैं, एक कीबोर्ड में आप राइट साइड पे नंबर्स देखना, अगर आप इन नंबर्स को यूज़ करना चाहते हो और विद डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, माइनस, प्लस, इन सब जो आपके फंक्शनैलिटीज़ हैं इनको भी यूज़ करना चाहते हो, तो आपको नंबर लॉक की को एनेबल करना होगा, मतलब इसको प्रेस करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा, तभी जाके आप 7, 8, 9, 6, 5, 4 ये इन सब चीज़ों को यूज़ कर पाओगे। आप ट्राई भी कर सकते हो अपने कंप्यूटर में, नंबर लॉक की को जब प्रेस करोगे तभी आप इन नंबर्स को यूज़ कर पाओगे, और जैसे अगर आपकी नंबर लॉक की जो है वो बंद होगी तो आप इन नंबर्स को यूज़ नहीं कर पाओगे। आप ये चीज़ ट्राई ज़रूर करके देखना अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में। ऑलराइट, तो नंबर लॉक की का था ये वाला फंक्शन, कि वो जो है नंबर्स को लॉक करना या फिर अनलॉक करती है आपकी। दूसरा कैप्स लॉक, कैप्स लॉक का क्या काम होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आई राइट माई नेम इज़ स्वाति, राइट, तो मैं स्वाति लिखती हूँ तो इस तरीके से लिखा जाएगा स्वाति, लेकिन जैसे ही मैं कैप्स लॉक इस वाली की को प्रेस कर दूंगी, एनेबल कर दूंगी, दबा दूंगी, तो कैसे लिखा जाएगा स्वाति, जो जगह मैं स्वाति लिखती हूँ तो इस तरीके से लिखा जाएगा, राइट। ऐसे ही हमारे पास है स्क्रॉल लॉक की,
अब आपको पता है कि स्क्रॉलिंग हम किस तरीके से करते हैं, हम माउस के थ्रू स्क्रॉलिंग करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि माउस में एक रबड़ जैसा बीच में कुछ होता है, ये लेफ्ट साइड होती है माउस की, ये राइट साइड होती है, ठीक है। तो जब हम लेफ्ट पे करते हैं तो सिलेक्ट हो जाता है, राइट पे प्रेस करते हैं तो हमारा मेन्यू बार ओपन हो जाता है। तो जब हम इस रबड़ पे, रबड़ जैसा जो आपका कर्सर होता है उसको घुमाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, स्क्रॉल होता है पेज, ठीक है, कोई भी पेज खुला हुआ है तो स्क्रॉलिंग हो जाती है, ऊपर से नीचे तक चले जाते हैं हम। अगर हम चाहते हैं यही स्क्रॉलिंग हम लेफ्ट चले जाएं पेज में, राइट चले जाएं, हमारा कर्सर ऊपर चला जाए फिर नीचे आ जाए, हम ये प्रोसेस को, अगर हम चाहते हैं कि हम इस प्रोसेस को कीबोर्ड के थ्रू से कंट्रोल करें, तो हम यूज़ करते हैं इस स्क्रॉल लॉक की का। हम इस स्क्रॉल लॉक की को एनेबल कर देंगे और फिर हम क्या कर सकते हैं, जो कंप्यूटर की कीज़ हैं, जो कर्सर है हमारा, उसको हम स्क्रॉल कर सकते हैं इन कीज़ की हेल्प से, राइट, ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट की जा सकता है। अब हमारे पास है विदाउट इंडिकेटर। मतलब क्या होता है विदाउट इंडिकेटर का, मतलब जब हमने इस की को प्रेस करा, पॉज एंड ब्रेक की को जब हमने प्रेस करा, तो कोई भी लाइट ब्लिंक नहीं हुई, कोई भी इंडिकेटर नहीं आया, जैसे कि साउंड नहीं हुई। तो जब बिना साउंड के, बिना लाइट के कोई चीज़ वो होती है जब हम की को प्रेस करते हैं, तो इसी को बोलते हैं पॉज एंड ब्रेक की, मतलब विदाउट इंडिकेटर। तो पॉज एंड ब्रेक की का काम क्या होता है, देखिए, पॉज एंड ब्रेक की को प्रेस करके किसी भी फंक्शन को स्थायी रूप से, मतलब कि कुछ टाइम के लिए रोका जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई गेम खेल रही हूँ, ठीक है, और गेम के बीच में मैं चाहती हूँ कि वो गेम को मैं बंद कर दूँ या फिर कुछ टाइम के लिए रोक दूँ, तो मैं क्या चीज़ जो प्रेस करूँगी, मैं प्रेस करूँगी पॉज एंड ब्रेक की, दैट इज ये वाली की, PB। ऑल राइट, तो क्या होगा कि कुछ टाइम के लिए मेरा वो गेम जो है वो रुक जाएगा और उसके बाद मैं दोबारा से उसको एनेबल कर सकती हूँ, पर तब तक के लिए वो पॉज हो जाएगा, राइट। तो किसी भी टास्क को बीच में ब्रेक करने के लिए, किसी भी फंक्शन को बीच में ब्रेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं पॉज एंड ब्रेक की। तो अब आपको समझ में आ गया कि टॉगल कीज का क्या काम होता है, ठीक है। दो टास्क के बीच में शिफ्टिंग करने के लिए कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि, मैंने आपको पूरा फंक्शन इसका बता दिया कि टॉगल कीज बेसिकली क्या काम करती हैं, मतलब टॉगल कीज को टॉगल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए और कॉग्निटिव डिसेबिलिटी जिन लोगों को होती है उन लोगों के लिए कीज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग यूज़ नहीं करते उनको, पर ये वो कीज़ हैं जो कि इंडिकेटर के साथ आती हैं, मतलब नंबर लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, कि इन लोगों, ये लोग भी जो है इन कीज़ को यूज़ कर सकते हैं। बाकी हम लोग भी यूज़ करते हैं, तो हमारा क्या काम होता है, हम कैसे यूज़ करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी कीज़ के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट ही मैं वीडियो रखने वाली हूँ, ताकि ज़्यादा आपको पढ़ाई, मतलब ज़्यादा लंबी वीडियो ना खींचें, और थोड़े थोड़े पार्ट में ही हम कवर कर लें सारा। ऑल राइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड कीप स्टडिंग।